हिंदू का बात बोलते हैं तो उसको कुछ क्वेश्चन पूछा, क्या हिंदू मुसलमान ही करेगा? हम बोला मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, लेकिन देश को यह बताना है कि भारतवर्ष में कोई अगर हिंदू को चैलेंज करता है उसका जवाब भी लोगों को मिलना पड़ेगा। ऐसा कम से कम हमें बोलने का अधिकार है। कोई जो करे करे, लेकिन हमारा बेटियों को आप उठा के मत ले जाओ, ये हमारा बोलने का अधिकार है। हमारा आदिवासी लोगों को धर्मांतरण मत कराओ, ये बोलने का हमारा अधिकार है। तो भूपेश जी बोलता ये लोग तो सेकुलर नहीं है। अरे बाबा, ये सेकुलरिज्म का डेफिनेशन आपको कहां से मिला? हिंदू को लूटना सेकुलरिज्म है क्या? हिंदू को दबाना कुसाना सेकुलरिज्म है क्या? हिंदू ने सेकुलरिज्म का डेफिनेशन लिखा सर्वधर्म समभाव, इसीलिए हिंदू जाके किसी का घर में लाज जहर नहीं करता है। हमारा कोई लड़का जाके अलग धर्म का लड़की को उठाने का काम हम लोग नहीं करता हो, और इसीलिए हमें सबसे ज्यादा सेकुलर। भाइयों और बहनों, आज नरेंद्र मोदी नहीं होने से हमारा देश में राहुल गांधी राम मंदिर बनाता था क्या? बोलिए, बनाता था क्या? बोलिए। अगर अमित शाह नहीं होता था तो कश्मीर में धारा 370 चला जाता था क्या? आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता था, काशी में कॉरिडोर बनता था क्या? उज्जैन महाकाल में कॉरिडोर बनता था क्या? भाइयों और बहनों, हमारा संस्कृति को हमें रक्षा करना है, हमारा जीवन शैली को हमें बसाना है, और साथ साथ में छत्तीसगढ़ में भी विकास करना है।